नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 21 जनवरी 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने किस राज्य से K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो भारत ने इसका परीक्षण किया आंध्र प्रदेश के पास में तट से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं K4 परमाणु मिसाइल की, तो भारत ने 2 परमाणु मिसाइल डेवलप किए हैं अंडर वाटर के लिए। तो इनमें से एक है BO5 और दूसरा है K4। K4 की रेंज है 3500 किलोमीटर और इसका निर्माण DRDO के द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और अगर हम बात करते हैं K4 परमाणु मिसाइल की, तो इसका उपयोग अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी से किया जाता है। रेंज इसकी ध्यान रखनी है 3500 किलोमीटर है, BO5 की है 700 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं परीक्षण किया गया। तो मुख्य रूप से ये जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया जाता है पानी के नीचे से पनडुब्बियों के माध्यम से। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 जनवरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, ये पल्स पोलियो प्रोग्राम का हिस्सा है और भारत 2012 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। मुख्य रूप से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बच्चे को पोलियो की दवा पिला करके। साथ ही साथ पुडुचेरी के CM ने इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब यहाँ पर एक आपको स्कीम और पता होनी चाहिए, जो कि है मिशन इंद्रधनुष, जिसकी शुरुआत अभी हुई है दूसरे चरण की यानी कि 2.0 की, उत्तर प्रदेश के 35 जिलों से। पल्स पोलियो में 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को कवर किया जा रहा है, जबकि जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है इसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। 8 बीमारियों के लिए इन्हें टीकाकरण लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक कहां पर शुरू हुई? तो इसकी जो बैठक है उसकी शुरुआत हुई है स्विट्जरलैंड के दाओस शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेलवे मंत्री हैं। और इस बार की थीम है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? विश्व आर्थिक मंच की 1971 में। मुख्यालय इसका है क्लॉगने स्विट्जरलैंड में और संस्थापक इसके हैं क्लाउस स्वाब। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर जो 50वां वार्षिक बैठक शुरू हुआ है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है क्रिस्टल पुरस्कार। और अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और वहां पे आप कम से कम डेली क्विज जरूर दिया करें। तो क्विज में आपको डेली करंट अफेयर के 20 प्रश्नों के साथ साथ 5 स्टेटिक GK के भी प्रश्न मिलते हैं। और जैसे जैसे आप लोग क्विज देना शुरू करेंगे, जो ये स्टेटिक GK के प्रश्न हैं इनकी संख्या भी आगे बढ़ाई जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई? तो मुख्य रूप से यह एक अभियान था साइकिल की दौड़ का और इसे हरी झंडी दिखाई गई गोवा से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गोवा की राजधानी पणजी में CM प्रमोद सावंत के साथ में मिलकर के केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसका उद्घाटन किया है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनका नाम है शिल्पा अग्रवाल। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि इंडियन आर्चरी एसोसिएशन की बात हो रही है, तो इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था लगभग आज से 3 से 4 महीने पहले कि जो इंटरनेशनल आर्चरी एसोसिएशन है उसने भारत की जो एसोसिएशन है इसको सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड किया था? क्योंकि उस समय 2 चुनाव हो गए थे और 2 अध्यक्ष इसके नियुक्त हो गए थे, तो इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुनः इसके चुनाव हुए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर और इसमें अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा अर्जुन मुंडा नए अध्यक्ष बने हैं और चुनाव दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है। अर्जुन मुंडा झारखंड से 3 बार CM रह चुके हैं
और वर्तमान में ये झारखंड के खूंटी से सांसद है। भारतीय तीरंदाजी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1973 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जो इंटरनेशनल आर्चरी एसोसिएशन है यानी कि तीरंदाजी संघ है, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के शहर लोजेन में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस बैंक ने देश के सबसे बड़े API बैंकिंग पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। API का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो कंपनी का व्यक्ति होगा उसे एप्लीकेशन बनाना होगा या फिर उसका टेस्ट करना होगा या फिर उसका सैंपल कोड प्राप्त करना होगा, तो वो ICICI बैंक की साइट पर विजिट करेंगे और वहाँ पर उनको ये सारी सुविधा मिलेगी। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि जो ICICI है इसका पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है और MD और CEO इसके हैं संदीप बक्सी। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इस सूची में रहा है 76वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो 50वीं बैठक अभी शुरू हुई है उसके ठीक पहले इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। तो कुल मिलाकर के 82 देशों पर ये आधारित है और इसमें डेनमार्क रहा है पहले स्थान पर, फिनलैंड रहा दूसरे स्थान पर और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। और इसमें ये बताया गया कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले जो 5 देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है, अन्य देश इसमें है USA है, जापान है, जर्मनी है और एक कोई और देश है, अगर आपको पता है तो नीचे बता सकते हैं। जनवरी 2020 में मर्क एंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है साक्य सिंह सेन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साक्य सिंह सेन की बात करें तो ये CSIR के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में एक वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों में सोना खरीदने की सूची में किस स्थान पर है? अब ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्रश्न आखिर में पूछ क्या रहा है। विश्व स्वर्ण परिषद जो कि गोल्ड के बारे में रिपोर्ट जारी करता है, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, इन्होंने जारी की रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया कि किस देश का जो केंद्रीय बैंक है वह कितना सोना हर वर्ष खरीदता है। तो इस सूची में जो हमारे देश का रिजर्व बैंक है यानी कि RBI वह पिछले वर्ष कुल मिलाकर के जो सोना खरीदा उसके अनुसार विश्व में 6ठे स्थान पे है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आउटलुक 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा, सबसे ज़्यादा सोना खरीदा चीन के केंद्रीय बैंक ने, रूस यहाँ पर दूसरे स्थान पर, कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा और दो देश और हैं, एक है टर्की और एक कोई और है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 को हुई थी, मुख्यालय इसका है लंदन में जो कि UK की राजधानी है। जनवरी 2020 में क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड के 17वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है नोट्स ऑफ ए ड्रीम नामक पुस्तक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नोट्स ऑफ ए ड्रीम ये म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की जीवनी है। किसकी है? AR रहमान की जीवनी है। और ये जो पुरस्कार दिए गए इसका समारोह आयोजित किया गया मुंबई में। पूरा नाम है पुस्तक का नोट्स ऑफ ए ड्रीम द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। बेस्ट फिक्शन यानी कि जो काल्पनिक नाटक होते हैं उसके लिए पुरस्कार मिला पायजामाज आर फारगिविंग, जिसे लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। और बच्चों की पुस्तकों की श्रेणी में पुरस्कार मिला है सुधा मूर्ति जी को, इनकी पुस्तक द अपसाइड डाउन किंग अनयूजुअल टेल्स अबाउट रामा एंड कृष्णा। बाकी ये पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, 281 एंड बियॉन्ड ये BBS लक्ष्मण की जीवनी है, आउट ऑफ द बॉक्स ये जीवनी है सचिन तेंदुलकर की जिसे लिखा है हर्षा भोगले ने, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति की नेल्सन मंडेला जी की। तो ये पुस्तकें आप देख सकते हैं, AR रहमान की जो है नोट्स ऑफ ए ड्रीम, पायजामाज आर फारगिविंग ट्विंकल खन्ना ने लिखा है, और द अपसाइड डाउन किंग इसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। ATP WTA एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2020 के
महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में और इन्होंने पोलैंड की खिलाड़ी डायना ओलेक्सांद्रोवना को हरा दिया फाइनल मुकाबले में। दूसरी तरफ अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो ये खिताब जीता है रूस के आंद्रे रुबलेव ने दक्षिण अफ्रीका के लियोड हैरिस को हरा करके। तो ये ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, इसलिए बाल्टी का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें द डाउन पुरस्कार मिला पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा। साथ ही साथ ये पिछले वर्ष की नंबर एक खिलाड़ी भी रहीं, जो रैंकिंग साल के अंत में जारी की गई उसमें ये नंबर वन खिलाड़ी रही हैं। भारत किस देश में मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि समुद्री शोध समन्वय केंद्र स्थापित करेगा? क्या नाम है? समुद्री शोध समन्वय केंद्र स्थापित करेगा। तो ये स्थापना की जाएगी भारत के द्वारा श्रीलंका देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या नाम है इनका? अजीत डोवाल जी। ये श्रीलंका के दौरे पर हैं और वहाँ पर इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात की। तो इस दौरान इस मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की बात की गई है और आपको पता ही होगा कि गोतबाया राजपक्षे जब राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले ये भारत के दौरे पर आए थे और भारत सरकार ने $450 मिलियन के अंतर्गत क्रेडिट ऑफ लाइन की भी घोषणा की थी। राजधानी यहाँ की है श्री जयवर्धनेपुरे कोटा, मुद्रा यहाँ की है रुपया और पीएम भी यहाँ पर बने हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि गोतबाया राजपक्षे के भाई है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर भारत के समुद्री सीमा से लगता हुआ एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका और पाक जल संधि से ये भारत से अलग होता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है रचना नोक इंतानन ने जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और फाइनल मुकाबले में इन्होंने हराया स्पेन की कैरोलिना मारिन को। किसे हराया? कैरोलिना मारिन को। कैरोलिना मारिन ने अभी एक खिताब जीता है इसी माह, तो अगर आपको पता हो तो वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जनवरी 2020 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 की शुरुआत किस शहर में हुई? तो ये जो बाल फिल्म महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हामिद फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ इस फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई और बाल कलाकार तलहा अरशद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था पिछले वर्ष, तो आपको बताना है कि उसमें फोकस देश कौन सा कंट्री रहा था और पिछले वर्ष जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसका आयोजन किया गया था गोवा में। किस राज्य की सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो ये निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश के राज्य ने ये कहा है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर गांधी पीठ की स्थापना की जाएगी और जो इनसे अफिलिएटेड महाविद्यालय हैं उनमें गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी तो आपको पता ही होगा भोपाल है और मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाएगा और स्वस्थ जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभी आया है शहरों के लिए उसमें पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के लिए नंबर एक शहर रहा है इंदौर। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नए प्रबंध निदेशक बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का। वर्तमान में ये SBI के उप प्रबंध निदेशक है। अब कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि SBI के एक MD हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा, तो इनको 2 वर्षों का कार्यकाल विस्तार मिला था और एक आप देख रहे होंगे फिर MD बन गए। तो हाँ, ध्यान रखिएगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष तो एक ही हैं जिनका नाम है रजनीश कुमार, लेकिन MD कई सारे होते हैं तो उनमें से एक MD है दिनेश कुमार खारा और एक अभी नए नियुक्त किए गए जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। राष्ट्रीयकृत हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, मुख्यालय इसका है मुंबई में। अगला प्रश्न है, इंडिया एक्सपो मार्ट में 14वें इलेक्ट्रामा 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में और उद्घाटन किया है वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में दो मंत्रालय और है, एक तो है भारी उद्यम मंत्रालय जो पहले था अरविंद सावंत के पास में जो कि थे शिवसेना के, तो बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसके अलावा ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। कौन? प्रकाश जावड़ेकर जी। तो अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्रामा 2020 की, तो यह मुख्य रूप से एक ऐसा मंच है जिसमें ऊर्जा संक्रमण के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी इनोवेशन है उनके संबंध में दुनिया को भारतीय उद्योग से ये जोड़ती है, और इसका आयोजन इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। अब देखिए कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के लिए ये वीडियो रिलेवेंट नहीं है, तो कल मैं आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो चीज़ें मैं रोज़ डिस्कस करता हूँ इनमें से आपको किन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, यानी कि जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो मैं कल कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको ये बताऊँगा कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर कोई प्रश्न मैं डिस्कस करता हूँ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो पहले इन्होंने कहा था 6.1% होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पहली तिमाही रही उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें भारत की वृद्धि दर रही 5%, दूसरी आई उसमें 4.5% हो गई, तो इन्होंने 6.1% से अब इसको कम करके 4.8% कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा कि RBI ने कहा है 5%, विश्व बैंक ने भी कहा है 5%। 2020 के लिए जो वैश्विक विकास दर है इसकी भी घोषणा की गई है IMF के द्वारा, तो पूरे जो विश्व है उसकी विकास दर रहेगी 3.3%। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था विश्व बैंक के बारे में, उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व की जो विकास दर है वह रहेगी 2.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1944 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में, MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अर्थशास्त्री इसकी है गीता गोपीनाथ। जनवरी 2020 में भारत के किस शहर में 2 दिवसीय SQAI प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो अभी 63वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, उसका भी आयोजन किया गया भोपाल में। वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और ये हो रहा है गुवाहाटी में, और फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे जिनका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अब अगर हम बात करते हैं SQAI प्रतियोगिता की, तो ये मुख्य रूप से मास्टर आर्ट का एक प्रकार है जिसमें जो भी कंपटीटर होते हैं वह तलवारबाजी में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, तो 8 राज्यों की टीमें इसमें शामिल हैं। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पूर्व BJP सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा का जनवरी 2020 में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक तो राजनेता थे और दूसरे थे ये पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक समाचार पत्र चलता है जिसका नाम है पंजाब केसरी, तो इसके ये वरिष्ठ पत्रकार थे और 2014 से लेकर के 19 के बीच में हरियाणा के करनाल से ये सांसद भी रहे हैं। अब चलिए कल के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। कल बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, तो आप एक बार करेक्ट कर लीजिए, और सबसे जरूरी है रिवीजन करना। अगर आप केवल रोज वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि आप सारे प्रश्न सही कर सकते हैं तो सारे प्रश्न आप सही नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न था चीन व पाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास, तो 3 युद्ध अभ्यास हुए हैं इनके बीच में, एक तो है शाहीन, एक यहाँ पर है वैरियर्स, और अभी एक जल्दी हुआ है समुद्र संरक्षक के नाम से अरब सागर में। भारत और ओमान के बीच में 3 युद्ध अभ्यास होते हैं, एक तो है अल नगाह जो कि हमारी आर्मी करती है, सेनाएं करती हैं, दूसरा है एक्स ईस्टर्न ब्रिज, या आप कह सकते हैं ईस्टर्न ब्रिज, इसमें वायुसेना भाग लेती है, और एक है नसीम अल बहार, तो ये इसमें हमारी जो नेवी है वो पार्टिसिपेट करती है, और जो नसीम अल बहार है इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा में। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन फिर भी कल बहुत सारे लोगों ने गलत किया, ये आपका है मुंबई का तारापुर, महाराष्ट्र का है तारापुर, ये सबसे पहला था और इसे हमने USA के सहयोग से बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी रूप से निर्मित पहला कौन सा है, तो वो तमिलनाडु का है कल्पक्कम। भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक किसने जीते हैं?
इंडिविजुअल कैटेगरी में मैंने पूछा था तो ये पदक जीता है सुशील कुमार ने, किसमें, कुश्ती में, 2008 और 2012 के ओलंपिक है, 2008 बीजिंग और 2012 लंदन ओलंपिक। ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो इसमें दो शुभंकर हैं, एक तो है मिराई तुवा, ये मुख्य रूप से हमारे मेन ओलंपिक खेल के लिए है, और सुमायती यहाँ पर है जो होगा पैरालंपिक। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, वह भी एक प्रश्न होगा। अब मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा जिससे आप आसानी के साथ में उत्तर दे सकें। आपको बताना है यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल किस देश में है, और इसके संबंध में जो भी जानकारी आपको पता है वह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।